नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं अपर्णा यादव और शिवपाल यादव के बारे में। आपको बता दें, आज शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में परिस्थितियां वैसी ही हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव को लेकर बनी थी। अपर्णा यादव के सपा से इस्तीफे और भाजपा में शामिल हो जाने को लेकर जिस तरह से असमंजस का दौर था, आज वैसा ही दौर शिवपाल यादव को लेकर देखने को मिल रहा है। इस बीच अपर्णा और शिवपाल के फोन कॉल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस्तीफे को लेकर चर्चे बटोर रहे शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव को फोन किया था और सपा ना छोड़ने की अपील की थी। जी हाँ, शिवपाल यादव के कई इंटरव्यू सामने आए हैं और इन इंटरव्यूज़ में शिवपाल बार बार कह रहे हैं अपर्णा को भाजपा में शामिल नहीं होना चाहिए था, परिवार का साथ देना चाहिए था। और इसके बाद करीबी सूत्रों का ये कहना है कि जब अखिलेश और मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को समझाना बंद कर दिया था, तब शिवपाल यादव ने जिम्मेदारी ली, अपर्णा यादव को फ़ोन किया और उन्हें समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। शिवपाल अपर्णा को बार बार परिवार का साथ देने की ज़रूरत समझाते रहे, लेकिन अपर्णा ने शिवपाल की एक नहीं सुनी। आज मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल को परिवार का साथ देने की बातें समझा रहे हैं और यहाँ शिवपाल मुलायम सिंह यादव की बात नहीं सुन रहे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।